नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक, जिसको मैंने हाल ही में बाय किया है और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू अपने चैनल पर डाल रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इसके लिए चार स्ट्रैप खरीद कर लाया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं ये वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि जो हमारी स्मार्ट वॉच है वो एक नॉर्मल से स्ट्रैप के साथ आती है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। और जो स्ट्रैप है काफी लोगों को अच्छा लग सकता है, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं आज इसको चेंज करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा स्ट्रैप बाय करना चाहिए। एक चीज आपको पता ही होगी कि जो हमारी स्मार्ट वॉच है उसमें 20 mm के स्ट्रैप लगते हैं, तो इसीलिए जो मैंने स्ट्रैप बाय किए हैं सारे 20 mm के हैं। तो जल्दी से मैं इन्हें वन बाय वन चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रैप है जो इसी की तरह है, जिसका कलर है वो चेंज है, ग्रीन कलर है। उसके बाद हमारे पास एक नायलॉन का स्ट्रैप है, और फिर मेरा पर्सनल फेवरेट जो है चेन स्ट्रैप वो है ब्लैक कलर में। और उसके बाद हमारे पास मेटल का स्ट्रैप है मैश का, ये भी काफी अच्छा रहता है, मैग्नेटिक स्ट्रैप होता है। तो वन बाय वन मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि स्ट्रैप कैसे होते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस स्ट्रैप को चेंज करना काफी इजी है, आपको सिंपली यहाँ पे अपने नेल से इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है पिन को, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा स्ट्रैप है वो निकल चुका है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड का भी ऐसे निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सिलिकॉन का स्ट्रैप यूज करने वाला हूँ और इसे मैंने 150 rupees का बाय किया है। जितने भी स्ट्रैप्स हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। स्ट्रैप को मैंने इंस्टॉल कर दिया है और जो स्ट्रैप है काफी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं इसमें अंदर की तरफ ग्रूव्स बने हुए हैं, जिससे कि जो स्वेट की दिक्कत है आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। और इतना आप देख सकते हैं काफी अच्छा मटेरियल इसमें यूज किया गया है। और ये जो स्ट्रैप है मैंने अर्बन ब्रांड की तरफ से लिया है, आप देख सकते हैं बकल पे उसकी ब्रांडिंग की गई है और काफी अच्छा स्ट्रैप है ये, काफी अच्छा लगता है। मैं आपको एक बार इसे वेयर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा फिट आपको देखने को मिल जाएगा, और आपकी रिस्ट अगर मेरी तरह मीडियम साइज की है तो आपको ये स्ट्रैप काफी अच्छा लगने वाला है। और काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है ग्रीन का, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले स्ट्रैप की, जो कि नायलॉन का स्ट्रैप है और ये काफी लाइट वेट होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं इसके भी जल्दी से इस पे इंस्टॉल कर देता हूँ वॉच के अंदर और आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ये लगता है। ये जो स्ट्रैप है कुछ अलग तरीके का है, आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से आपको वेयर करना पड़ेगा, ये इस तरीके से आपकी रिस्ट में आ जाएगा और उसके बाद आपको इस तरीके से इसे टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं इसमें वेलक्रो का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये काफी अच्छी फिटिंग देखने को मिल जाती है आपको। और उसके बाद जो वॉच का लुक है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ये भी काफी अच्छा शानदार स्ट्रैप है और काफी क्लासिक लग रहा है। और मैं कह सकता हूँ जो ये स्ट्रैप है इसमें प्रीमियम मटेरियल का यूज किया गया है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और इस वाले स्ट्रैप को मैंने 250 rupees का बाय किया था। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले स्ट्रैप की, जो कि है मेटल मैश का, और इसे मैंने 300 rupees का अमेजोन से ही बाय किया है। तो ये भी 20 mm का है, आप देख सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो स्ट्रैप है इसमें आपको दो पिन्स देखने को मिल जाएंगी अलग से, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पिन है इसमें रिमूवेबल होती हैं, तो जब भी आप इसे अनबॉक्स करें तो केयरफुल रहिएगा। इस तरीके से जो पिन है ये रिमूव हो जाती है इसमें से, आप देख सकते हैं ये दूसरी वाली पिन मेरी ये रही, तो ये जो पिन है आपको इसमें देखने को मिल जाती है। मैं जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। वैसे तो आप जैसे चाहें इस स्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकता हूँ, पर जो मेथड मैं यूज करता हूँ वो ऐसा है, आप देख सकते हैं एक जो पोर्शन होगा इस वाली स्ट्रैप का इसमें अटैच होगा, तो उसको तो आपको इस तरीके से लगा लेना है, और जो दूसरा पोर्शन होगा उसको आपको इंडिविजुअली इस तरीके से लगा लेना है, और उसके बाद इस चेन को इसके अंदर डालना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं और काफी इजीली आप इसे लगा पाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी वॉच है वो वेयर करने के लिए तैयार हो चुकी है, अब मैं जल्दी से इसे आपको वेयर करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से काफी अच्छी फिटिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये जो स्ट्रैप है ये मेटल का बना हुआ है, प्रॉपर मेटल का बना हुआ है, इसमें जो भी मैश है वो सारा मेटल का बना हुआ है और ब्लैक कलर में है ये। और इधर नीचे की साइड आप देख सकते हैं इसमें आपको मैग्नेट देखने को मिल जाती है, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। अब मैं लास्ट स्टेप यानी कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है चेन स्टेप उसकी बात करता हूँ। ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, और इसे मैंने अमेजोन से 700 rupees का बाय किया है, तो सबसे महंगा स्टेप है ये और सबसे अच्छा यही लगता है सच बताऊं तो। तो जल्दी से मैं इसको आपको वियर करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगता है और कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं। जो ये वाले स्ट्रैप है इसके साथ भी आपको दो रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आप इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाती हैं और ये बाहर नहीं निकलती हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। ये एक साइड से स्लाइड तो हो जाएगी पर ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, तो स्लाइड हो सकती है पर बाहर नहीं निकलेगी। ये वाला जो स्ट्रैप है महंगा इसलिए कि आप देख सकते हैं इसका एंड वाला पोर्शन है उसमें बिल्कुल भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं जल्दी से इसको एक बार वॉच में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो चुका है और काफी अच्छा लग रहा है ये, आप देख भी पा रहे होंगे। और जो हमारी स्मार्ट वॉच है उसका जो रियल लुक है वो आपको देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं ये जो चेन स्ट्रैप है इसको काफी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली आप इसे फॉर्मल्स में भी वियर कर सकते हैं अब, और काफी अच्छी स्मार्ट वॉच हमारी बन जाती है। इसके बाद इसका जो लुक है काफी एनहेंस हो जाता है। और इस तरीके से नीचे की तरफ इसमें लॉक मैकेनिज्म दिया हुआ है,
जो इस तरीके से लॉक हो जाता है और आपको काफी अच्छे लुक प्रोवाइड करता है, एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता है एक तरह से। तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली भले ही है पर आप विश्वास कीजिए जब भी आप इस स्ट्रैप को बाय करेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा स्ट्रैप है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।